क्रिकेट के मैदान पर चोट लगना असामान्य नहीं, लेकिन कुछ चोटें गंभीर होती हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड के बीच एडिलेड ओवल पर बिग बैश लीग का मुकाबला हो रहा था। क्रिस पर थे एडिलेड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज ब्रैड हॉज। उन्होंने ऑन साइड पर शॉट खेला, लेकिन बैट उनके हाथ से छिटक कर विकेट कीपर पीटर नेविल को जा लगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टॉप 20 प्लेयर्स में शुमार हॉज अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरी तीन ओवर में उनकी टीम को जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत थी। मेलबर्न रेनेगेड ने उनके सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था। ऐसे में हॉज की कोशिश बड़ा शॉट लगाने की थी। 18वें ओवर की पहली गेंद श्रीलंका के थिसारा परीरा ने फेंकी। हॉज ने पूरी ताकत से ऑन साइड पर शॉट खेलने की कोशिश की, शॉट मिस टाइम हुआ, लेकिन उन्होंने बल्ला इतनी तेज घुमाया वह उनके हाथ से छूटकर मेलबर्न रेनेगेड के विकेट कीपर पीटर नेविल को जा लगा। नेविल गेंद को देखते हुए थ्रो कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहे थे, बल्ले पर उनका ध्यान ही नहीं गया। इतने में बैट उनके चेहरे पर आ लगा और उसके बाद वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए वन इंडिया हिंदी।